प्यार में उम्र सिर्फ एक संख्या है और सच्चा प्यार दूरियों को मिटा देता है। एमपी के एक छोटे से गांव में प्यार ने उम्र और समय की सीमाओं को पार कर दिया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के मगरिया गांव के बालूराम और महाराष्ट्र की शीला की स्टोरी अनोखी है। इनका प्यार सोशल मीडिया के जरिए परवान चढ़ा। एक छोटे से गांव से शुरू हुई ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे आधुनिक तकनीक ने दो अलग अलग जीवन को जोड़ दिया। बालूराम एक 80 वर्षीय व्यक्ति जो जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे, पत्नी के निधन और आर्थिक संकट ने उन्हें गहरे अवसाद में धकेल दिया था, लेकिन उनके दोस्त विष्णु गुर्जर ने उन्हें इस अवसाद से बाहर निकालने का फैसला लिया। विष्णु ने बालूराम के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो बनाए जिससे बालूराम को एक नई पहचान और उम्मीद मिली। ये बालूराम जी और हमारे पहले से मित्रता थी। बालूराम जी कुछ इनको ऐसा संकट आया था, वो नुकसान हुआ था जिससे वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और इनकी मृत्यु तक हो जाती ऐसा कारण बनने लगा था। तो तभी हमें लगा कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमने इनको देखा भाई, इनके घर से ले गए और होटल पे लेकर उनको बोला कि तुम तो कोई नहीं है, तो हमें तुम्हारे, और ऐसे करते करते हमने इंस्टाग्राम चालू कर दिया। पर इंस्टाग्राम चालू करते करते इनका एक दो हंसी मजाक का वीडियो बना दिया तो वो वीडियो वायरल हो गए। वीडियो वायरल होते होते बालूराम जी के भी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग बढ़ते बढ़ते हजारों में फॉलोअर हो गए। और ये वायरल होने लग गए तो इनको जो भी आता था वो बालूबा किधर हो, क्या कर रहे हो, अच्छा वीडियो बनाते हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे करते करते इनका मतलब दूर दूर तक वीडियो वायरल होने लगे। तो वीडियो वायरल होने के बाद इनकी वीडियो महाराष्ट्र तक गई, तो महाराष्ट्र से इनका जो इनकी शीला जी है उनका मैसेज आया। मैंने बोला बालूराम जी तुम्हारे ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो मेरे को बात करवाओ, तो एक इनको पास बिठा के मैं टाइपिंग करता था और जिसके बाद फिर इनको वीडियो कॉल पे बात कराने लग गया। तो इन्होंने वीडियो कॉल पे बात करते करते इनके जो प्रेम संबंध थे वो मजबूत हो गए। तो इन्होंने इनकी दीदी ने वहां से इन्होंने बात की कि मेरे भी कोई नहीं है कमाने वाला और इनके भी भोजन देने वाला कोई नहीं था, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि तुम शादी कर लो। तो ये वहां से 650 किलोमीटर दूर से चलकर इनके प्रेम में यहाँ सुसनेर आ गए थे। सुसनेर आए तो हमने इनकी कोर्ट मैरिज वेरिज करवा के और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनको वरमाला डलवा कर शादी करवाई। इस सोशल मीडिया के जरिए बालूराम की मुलाकात शीला से हुई जो उनसे आधी उम्र की थी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शीला ने महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक का सफर तय करके बालूराम से मिलने का फैसला लिया। उनकी ये मुलाकात एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई और उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया। इस शादी ने सभी को ये संदेश दिया है कि प्यार में ना तो उम्र मायने रखती है और ना ही दूरियां। ये ऐसे होता कि हमारे जमीन हमीन बिक गई, औरत भी गुजर गई, तो हम टेंशन में हो गए। तो हमारे दोस्त विष्णु गुर्जर, वो हमारे दोस्त थे, वो बोला कि डोकरा मर जाएगा तो हमको 8-15 महीना तक यहाँ पलंग पर सोया मैं, टेंशन का मेरे रोटी ना कुछ भी नहीं मिली। तो ऐसे टाइम पास हुई तो फिर ये वहाँ ले गया हमको होटल है हमारे मांगीलाल, वहाँ रहे हमें महीना दो महीना तक, ने ये वीडिया हिडिया बनाने लगी, मेरे को कुछ भी नहीं आता। तो वारले हो गया, अब इंस्टाग्राम पर फेमस हो गए वीडियो बनाते बनाते, तो इनके ना हमारे वीडियो में चलती रही बात। तो ये बोला कि तुमको कौन है, तो हमको रोटी देने वाला नहीं है, ये बोला कि हमको भी रोटी कमाने वाला नहीं है, तो दोनों के दोस्ती बना लें, तो वो बना लो। तो वो प्यार में मोहब्बत हो गया हमारा, तो कल कोर्ट में शादी कर ली, जय माला कर ली और हमारे खुश है दोनों, हम आराम में। इंस्टाग्राम पे हो गई जान पहचान, फिर हम बातें करने लगे। इंस्टाग्राम चलाते थे तो पहचान हो गई, तो फिर पहचान हुई तो हम शादी के बंधन बन गए और कल को कोर्ट मैच करा शादी। खुश हूँ मैं, अच्छी। आप कहाँ के रहने वाले थे? मैं अमरावती के रहने वाली हूँ, महाराष्ट्र की। वहाँ से करीब 600 किलोमीटर दूर? हाँ, 600 किलोमीटर। वहाँ से चल के फिर आए और शादी किया? हाँ, शादी की। कैसी आप खुशी महसूस कर रही हो? अच्छा लग रहा, खुश हूँ मैं। कैसे है बालू बालू राम जी? अच्छे है, काफी खुश मिजाज है। हाँ।